संप्रतौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनीता जैन संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग वनस्थली विद्यापीठ से शोध पत्र प्रस्तुतिकरण हेतु आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। नमस्ते, माय नेम इज वृंदा शर्मा एंड आई एम अ रिसर्च स्कॉलर स्पेशलाइजिंग इन संस्कृत अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर अनीता जैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत फिलोसफी एंड वैदिक स्टडीज. टुडे वी विल बी प्रेजेंटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन द टॉपिक वैदिक एंड कार्टेशियन इंसाइट्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल. वर्तमान युग समस्याओं का युग है। आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भाषाई वास्तविकताओं ने समकालीन जगत में संकट उत्पन्न कर दिया है। जीवन से संस्कार विलुप्त एवं विखंडित होते चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप अनियंत्रित भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव एवं स्वार्थ, द्वेष, वैचारिक संकीर्णता, सामाजिक एवं पारिवारिक विघटन आदि ने जीवन से प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता आदि मूल्यों का अभाव उत्पन्न कर दिया है और मानव अनेक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स अर्थात विवादों से युक्त हो गया है। जीवन की पूर्णता को मेरी दृष्टि में भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय में देखा जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मानव सदैव से जगत के केंद्र में रहा है और अतः यह आवश्यक है कि मानव जीवन को पुनः आनंदित और गरिमामयी बनाया जाए, परंतु कैसे? यही प्रश्न आज का सबसे विचारणीय प्रश्न है। Conflict resolution is a vital study area, especially in our increasingly complex world. Our research explores how insights from Vedic and Cartesian philosophies can provide valuable guidance in resolving conflicts at various levels, from intrapersonal to international. Let's dive into the key aspects of these philosophies and their application to conflict resolution. Aims and objectives. The primary aim of this research is to explore the roles of reason, self-awareness, and spiritual wisdom in conflict resolution. By examining the Vedic philosophies alongside Cartesian principles, we seek to present a holistic approach to conflict resolution. Methodology involved in this research is a comparative analysis of primary text from Vedic and Cartesian traditions, supplemented by secondary literature, to explore key philosophical concepts and their application to modern conflict resolution. Let's begin with the Vedic perspective. मानव जीवन को दिशा और गति प्रदान करने वाली कालजयी कृतियां यथा वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में निहित अहिंसा, आध्यात्मिकता और अनेकांत मूलक मूल्यों एवं संदर्भों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता मानव को अपने आत्मा के साथ संवाद करने की प्रेरणा देती है और उसे स्वयं के आंतरिक विकास और स्वाध्याय की दिशा में प्रोत्साहित करती है। आध्यात्मिकता से ही आत्मचिंतन और आत्मचिंतन के माध्यम से ही भौतिकता पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देखा जाए तो आध्यात्मिकता जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता हुआ ऐसा गतिशील सिद्धांत है जो मानव अस्तित्व को पक्षपात से परिपूर्णता की ओर ले जाता है। अहिंसा मूलक आचार और अनेकांत मूलक विचार कॉन्फ्लिक्ट्स के निवारण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैन दर्शन में आचार्य अमित गति अपने सामयिक पाठ में अहिंसा की भावना को उद्धृत करते हुए कहते हैं, सत्वेषु मैत्री, गुणीषु प्रमोदः, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। अर्थात विरुद्ध चित्त वाले व्यक्तियों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना विवाद निवारण का बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हो सकता है। इसके अतिरिक्त तेन त्यक्तेन भुंजितः मा क्रोधः कस्यचित् धनम् आदि संदर्भ भी तेजी से विखंडित होते हुए समाज में जोड़ने के लिए कड़ी के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे साधन हैं जिनका उद्देश्य मानव जीवन को अभिप्राय और सार्थकता प्रदान करना है। धर्म ऐसे सार्वकालिक और सार्वभौमिक नियमों का नाम है जो प्रत्येक देश व काल में बिना जाति और वर्ग भेद के मनुष्य को समान रूप से उन्नति के अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिकता से ओतप्रोत अथवा धर्म से ओतप्रोत यदि मनुष्य अपना भौतिक कल्याण करना चाहता है तो उसको धर्म से ओतप्रोत होकर ही अपने कार्य
कार्य को करना होगा। आचरण की शुद्धता और नैतिक उत्थान हेतु दीक्षांत भाषण के अवसर पर दिए जाने वाले शिक्षार्थियों को जो दिए जा रहे हैं, ऐसे उपदेश आज जैसे सत्यम वाद, धर्म चर, स्वाध्याय, माँ प्रमथ अथवा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि वैदिक कालीन ऐसे बहुमूल्य उपदेश हैं जिन पर भारतीय संस्कृति का महल टिका है, और आज भी उन शिक्षार्थियों के द्वारा यदि इनका पालन किया जाए तो राष्ट्र का नैतिक कल्याण संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में मानव कल्याण की भावना को व्यक्त करने वाले अनेक मंत्र जैसे पुमान पुमान सम परिपातु विश्वतः अथवा समस्त भाव को समत्व भाव को धारण करने वाले मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे अथवा मित्रस्य चक्षुषा समीक्षमहे आदि मंत्रों का प्राणी मात्र के प्रति समदर्श आदि मंत्र प्राणी मात्र के प्रति समदर्शी दृष्टि को पुष्ट करते हैं। वैदिक व्यवस्था के इन धर्म परक गुणों के व्यवहारिक प्रयोग से निश्चित रूप से समाज का नैतिक कल्याण संभव होगा। बात करते हैं अर्थ की। अर्थ व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र सभी के लिए अनिवार्य है, अतः उसका संग्रह एवं वितरण समान रूप से होना चाहिए। यदि अर्थ कुछ ही हाथों में संग्रहित हो गया तो विषमता उत्पन्न हो जाएगी और जो समाज कल्याण के लिए बाधक सिद्ध होगी। अतः संग्रहित धन का मिल बांटकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप में कहा गया है केवलाघी भवति केवलादि, अर्थात अकेला खाने वाला पाप का भक्षण करता है। इसलिए वहां 100 हाथों से संग्रह और 1000 हाथों से उसका वितरण करने की बात कही गई है। शत हस्त समाहर सहस्र हत संकिरह। इसके बाद हम बात करते हैं काम रूपी पुरुषार्थ की। काम मानव जीवन को उदात्त और संयमित बनाने के लिए काम रूपी पुरुषार्थ की स्थापना की गई है। यदि मनुष्य को उसके संवेगात्मक जीवन से वंचित कर दिया जाए तो वह जंगलियों के समान आचरण करने लगेगा। इसलिए काम मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य पुरुषार्थ के रूप में माना गया है। वेद में काम को सारी सृष्टि का मूल कहा गया है, और लेकिन ये काम तभी जबकि वो धर्म संगत तरीके से किया जाएगा तभी पुरुषार्थ की संज्ञा से विभूषित होगा। धर्म संगत काम के लिए वैदिक अवधारणा हमें प्राप्त होती है। कहा है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अंत में हम बात करते हैं मोक्ष की। वैदिक पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो मोक्ष मानव जीवन की चेतना का सर्वोच्च पुरुषार्थ है, जिसका सामान्य अर्थ है मोक्षण अर्थात छूटना। पर प्रश्न उठता है कि किससे मुक्ति? क्या केवल जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है? अथवा अगर हम भारतीय संदर्भ में विद्या के लक्ष्य को देखते हैं तो विद्या क्या है? विद्या है सा विद्या या विमुक्त, उसका लक्ष्य है मुक्ति। लेकिन मुक्ति किससे? क्या ये केवल मात्र जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की बात नहीं कर रही है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी विद्या का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता है वो ये भी है कि हमारी वैचारिक संकीर्णता, पारस्परिक दुराग्रह और आपसी वैमनस्य इत्यादि सभी से हमारी मुक्ति होनी चाहिए। थैंक यू मैम फॉर द इनसाइटफुल वैदिक पर्सपेक्टिव। नाउ आई विल प्रेजेंट द कार्टेशियन अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रेन डेकार्ट्स, a pivotal figure in Western philosophy, emphasized the role of reason and the distinction between mind and the body. His ideas provide a foundational framework for understanding and managing conflicts through rational thought. As you can see on the slide, Descartes' famous statement, cogito ergo sum, highlights the importance of conscious thought as the basis of existence. Cogito ergo sum, which means I think, therefore I am. This phrase is foundational to Cartesian philosophy and emphasizes the essential role of thinking in establishing our existence. As highlighted in the Henri Gombe's analysis, a significant passage, whenever the thought of God's supreme power occurs to me, I cannot help feeling that he might easily, if he so wished, make me go wrong, even in what I think I see most clearly with my mind's eye. On the other hand, whenever I turn to the matters themselves, which I think I perceive very clearly, I am so convinced by them that I burst out, let who will deceive me, he can never bring it about that I shouldn't be nothing at the time of thinking, and I am something, nor that it be true that I never existed, if it is true that I exist now, nor even that too,
and three make together make more or less than five, or any such thing in which I manifest contradiction. So, in the context of conflict resolution, this idea underlines the importance of rational thinking. Descartes believed that our ability to think defines who we are. When we apply this to conflicts, it suggests that we should rely on our capacity for reasons to navigate disputes by focusing on rational analysis rather than on reacting impulsively. We can approach conflicts with clarity and make decisions that are well considered and just. Another critical concept in dualism, which posits a clear distinction between the mind and the body. In Descartes' view, the mind is the seat of reason, while the body is a source of sensory experiences and emotions. This means we need to consider both what we think, how we feel, and when we are dealing with conflicts. Think of it this way. When a conflict arises, it's not just about differing opinions, but also about the emotions that come with them. By recognizing that our thoughts and feelings can influence each other, we can approach conflicts in a way that addresses both the logical and emotional side of the issue. Moving on, Descartes believed that while passions are powerful, they can and should be guided by the reason. I took this line from the famous work of Descartes, The Passions of Soul. So this concept focuses on how our emotion and psychological states drive our behavior. Emotions play a huge role in conflicts. They affect how we react and interact with others. We have to understand them. And by understanding, addressing these emotions, emotional triggers, we get to the heart of the issue. Techniques like empathy and emotional regulation help manage these emotions, making it easier to have productive conversations. When individuals feel understood and validated emotionally, they are more likely to engage in open and honest dialogue, so which makes it easy to solve. At last, comparative analysis of Vedic and Cartesian philosophies. While the Vedic approach, as presented by Professor Anita Jain, emphasizes ethical and spiritual dimensions, the Cartesian method brings a structured and rational framework to conflict resolution. Together, these philosophies offer complementary perspective. In the conclusion, the Vedic and Cartesian philosophical traditions offer a balanced and comprehensive approach to conflict resolution. While the Cartesian philosophy provides the necessary tools for rational analysis, Vedic philosophy ensures that the ethical and spiritual dimensions are not neglected. By drawing on both traditions, we can develop more effective strategies for resolving conflicts in a way that promotes lasting harmony and understanding. अंत में हम यही कहना चाहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। थैंक यू।